एलियन यानी कि एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम मंगल ग्रह या स्पेस के अन्य ग्रहों के बारे में सोचने लगते हैं। एलियन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा पाना काफी मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एलियन को देखा है और वो उसे मानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग एलियन को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एलियन वास्तव में हैं, और अगर हैं तो कहाँ रहते हैं, दिखते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलियंस के बारे में ही बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और लगातार इसका विस्तार भी हो रहा है, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। स्पेस में एलियन की तलाश करने में जुटी ITI, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो जैसी संस्थाओं को भी अभी तक ना तो कोई एलियन मिला है और ना ही उनके सबूत। ये संस्थाएं अभी तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के समान वायुमंडल की तलाश कर रही हैं, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी का वायुमंडल है उसी के अनुकूल यहाँ का जीवन है। इसी तरह जिस ग्रह पर जैसा वायुमंडल होगा वैसा ही वहाँ का जीवन होगा। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार जल व ऑक्सीजन को माना जाता है, और जहाँ पर ये दोनों चीज़ें ना हों वहाँ पर जीवन असंभव है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दूसरे ग्रहों में रहने वाले एलियंस को वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़ती हो, और उनका शरीर उनके वातावरण के अनुकूल बना हो जैसे कि हमारा पृथ्वी के अनुकूल बना है। अगर भविष्य में हमारा एलियंस से संपर्क हो गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पृथ्वी से जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा या फिर हमें नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अगर एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे अधिक विकसित हुई तो वह हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन यदि वे हमसे तालमेल बना लेते हैं तो हम भी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एलियंस के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला है और ये हमारी कल्पना मात्र है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।